दीपू ये कौन है? दीपू दीपू ये कौन है? ये कौन है? पापा। नहीं दीपू कौन है ये? ये कौन है सामने? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। एक ऐसी खबर जो कि आप ही सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ये एक परिवार चिनोर का हमारे साथ है जो कि ये दावा कर रहा है कि इस परिवार में पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि जिस शख्स की जान गई है वो इस बच्चे के रूप में वापस आया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, किसी तरह का अंधविश्वास हम नहीं फैलाते हैं, मगर परिवार का दावा है कि ये पुनर्जन्म हुआ है और ये परिवार जो है काफी चर्चाओं में है इस पुनर्जन्म को लेके। क्या जम्मू के चिनोर में सच में पुनर्जन्म हुआ है? बता दें कि इनके पिता यानी कि जो लड़की है इनके पिता का देहांत हुआ उसके 3 दिन के बाद इस बेटे ने जन्म लिया और 7वें महीने में ये बच्चा अपनी नानी को गीता के नाम से यानी कि उसी के नाम से बुलाता है। और इनका ये दावा है कि इस बच्चे के रूप में इनका नाना जो है वो वापिस आया है। ये संभव किस तरह से है? हालांकि हम इन बातों को नहीं मानते मगर पुरानी बातें हैं। इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है वो आज जानेंगे, क्योंकि इनके मोहल्ले में भी इसकी चर्चा जो है वो हो रही है और कई रिश्तेदारों में इसकी चर्चा है कि इनका नाना जो है वो वापिस आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन ज्योति। ये आप ही का बेटा है? हाँ जी हाँ जी। क्यों लगता है आपको कि बेटा ये बेटा नहीं आपके पापा जो है वो वापिस? क्योंकि जैसे पापा को 9 की डेथ हुई थी तो 12 को इसका जन्म हो गया था और इसकी जो शक्ल है पूरी पापा से मिलती है और जो एक्टिविटी से पापा सोते थे उठना बैठना हर चीज इसकी पापा से मिलती जुलती है। साथ में वो मेरे सपने में भी आकर मुझे बहुत बार बता गए थे कि मैं घर पे वापस आ गया हूँ। और जब ये 7 महीने का हुआ था तो उसने पापा का जैसे फोटो निकाली फोन से ये खुद ही बोलता था कि डैडा मैं डैडी और अब ये मम्मा का नाम ले रहा है। ये 7वें महीने में बच्चा बोलने लगा? हाँ 7वें महीने में, 7वें महीने में ही बोल। जब ये 3-4 महीने का होता तब ये बोलता था बाबा बाबा से हाथ जोड़ के। तो हम सोचते थे शायद ये ऐसा तथा कर रहे, हमने कभी इस बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ये 7 महीने के उसने पहला वर्ड के मुँह से यही निकला डैडा, मतलब डैडा मैं डैडी। उसके बाद भी हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया लेकिन अभी ये मेरी मम्मा का नाम ले रहा है गीता। हमें इस चीज की हैरानी है कि इसको मेरी मम्मा का नाम किसने बताया? तो घर में कोई इनका नाम नहीं लेता गीता? कोई नहीं लेता, मतलब नहीं बनता। मतलब मैंने कभी लिया ही नहीं, ये मेरी बेटी है कभी नहीं लेता, सिर्फ पापा लेते थे हमारे घर में। ये तुम्हारे हस्बैंड की फोटो है? हाँ जी ये मेरे घर वाले की फोटो है। पति की 8 महीने के बाद मेरा नाम लिया, जब से इनकी डेथ हुई 8 महीने के बाद सिर्फ बोला गीता ये बोल, बस ये भी जब गीता गीता ही बोलता है, बोलते पापा हूँ डैडा हूँ। अब जब मेरा नाम लिया फिर मुझे ज्यादा ही यकीन हो गया, मैं कि मेरा नाम तो किसी ने लिया ही नहीं। 8 महीने के बाद इसने मेरा नाम लिया, फोटो निकाली मेरे फोन से, बोलता गीता गीता। अब तो ऐसे बोलता है इधर जाऊंगी गीता उधर जाऊंगी गीता, नहीं बोलेगा 2 घंटे नहीं बोलेगा। फोटो ही पहचानी इसने, अब तो मुझे आमने सामने से बातें बाजे लगाता गीता गीता, तो मुझे यकीन हुआ नहीं। तो मैं ये छोटा जो है ये इनकी नानी है और जिनका देहांत हुआ है, मैं रघु जी चाहूंगा जरूर फोटो दिखाइएगा। जो परिवार दावा कर रहा है, परिवार का ये कहना है कि ये पुनर्जन्म हुआ है और ये तस्वीरें जो है वो इस समय हम आपको चिनोर से बताते हुए। मैं ऐसे लड्डू नहीं बनते मोहल्ले में, मैंने बोला मैं दिवाली लोहड़ी नहीं करूंगी अपने घर में जब तक जब मुझे सच ने बताया कि कभी नहीं होगी दिवाली और लोहड़ी। तो मैंने बोला 4 साल का भी होगी बोलेगा ना फिर करूंगी अपने घर में दिवाली लोहड़ी, इसकी फेवरेट थी, कभी नहीं होगी। इतना मैं रोती थी, जब ये 8 महीना खत्म हुआ इसने मेरी भी फोटो पहचानी, मुझे बोला गीता वो साफ लो जो मुझे अब सब गीता। किस उम्र में बोलना शुरू करता है बच्चा? तो साल में भी करता है, साल का हो जाए तब भी करता है। 7वें महीने में नहीं बोलता? नहीं 7वें 8वें 9वें में कभी नहीं बोलता। ये तो 2 महीने में बोलने लगा था बाबा 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 ऐसे ऐसे ताड़ियां बजाता था। फिर मैंने बोला दुनिया बोलती है जन्म हो गया मगर मैं नहीं मानूंगी जब तक ये बोलेगा नहीं, शक्ल है उठना बैठना हरकतें पूरी हैं, मैं तब मानूंगी जब ये 4 सालों के बोलेगा मैंने कुछ अपने निशानी देगा मैं डैडी हूं। किसने ऐसा भगवान ने किया ये कहती है दिवाली लोहड़ी नहीं मैं करूंगी? जब 7वां महीना खत्म हुआ 9वां महीना लगा उसको मार्च महीने, तो इसने बोलना फोटो निकाली मेरे से फोन लेके, तो बोलता मैं डैडी डैडी सब लगा था क्या बोला कहता डैडी हाँ। उसके बाद फिर बोलते मैं पापा हूँ पापा हूँ, ये किसने बनाया पापा ने? जब आप इसे पूछो कुछ जरा पूछना वीडियो देखी देखिए आपने वीडियो भी दिखाते हैं एक हाँ। लाइव भी देखना चाहेंगे दीपू वो किसने बनाया? अच्छा जे कौन है? जे कौन है? अच्छा जे कौन है? कौन है कौन है? दस दे कौन है दीपू बताओ कौन है ये?
बताओ 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 फिर अजी फोटो है ना, अजी फोटो कौन है बताओ बताओ दीपू बोलो कौन है ये निकालती फोटो। तो देख सकते हैं जिस तरह का परिवार धावा कर रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा पुनर्जन्म को लेके आप कितनी बातों को मानते हैं। हम फिर कहते हैं कि हम किसी तरह का भी अंधविश्वास जो है वो नहीं फैलाना चाहते और ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं। मैं फिर बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ लोग जरूर कहेंगे कि किस तरह का अंधविश्वास, वो भी मोहिंदर जीत सिंह कभी कोई भी अंधविश्वास जो है वो नहीं फैलाता, मगर जब समाज में इस तरह की कोई बात आ जाए तो वहां पर हमारा पहुंचना जो है वो बेहद जरूरी होता है कि आखिरकार ऐसी बात जो है वो बाहर क्यों आई है, क्या कुछ वजह है। हमारा काम है ये खबर आप तक पहुंचानी, सच या झूठ है इसका फैसला जो है वो आप लोग करेंगे, मगर जब भी कहीं पे इस तरह की अफवाह या इस तरह की बात सामने आती है हम पहुंचते हैं। ये नानी है और ये माँ है और ये बच्चा है और ये फोटो है। परिवार दावे से कह रहा है कि पुनर्जन्म जो है इसका वापस आया, हालांकि अगर ये परिवार इसका दावा भी कर रहा है मुझे नहीं लगता दावा करने से इन्हें कोई फायदा होगा, किस बात का फायदा होगा, मगर इस तरह की बात जो है ये क्यों कर रहे हैं। फिलहाल इस बेटी से जानेंगे, आपको कब लगा कि हमारे बेटा जो जन्मा है वो पुनर्जन्म है, ये बेटा नहीं मेरे पिता है? क्योंकि जिस तरह से पापा की डेथ हुई थी ना, तो जिस वक्त उनको लेकर जाया गया था तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन जो उनका मैंने चेहरा देखा वो एकदम से क्या मैं बुलाऊँ, एकदम से ग्लो कर रहा था उनका चेहरा, जिस तरह से वो बीमारी से मरे थे वो चीज़ थी ही नहीं। लेकिन जब जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मतलब कि 12 तारीख को शाम को 8 बजे, तो इसका चेहरा भी पापा जैसा था, जैसे पापा बीमार थे। लेकिन जैसे ही इसने घर में कदम रखा, एक हफ्ते के अंदर इसकी पापा वाली शक्ल आ गई थी। एक हफ्ते के अंदर जैसे मतलब कि उस तरह से इनका चेहरा आ गया, जैसे ये सोता था, उठता था, बैठता था, इसकी पूरी एक्टिविटीज इसकी पापा से मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको चाहे आप पूरा दिन भूखा रखो ना, इसका इतनी सहन शक्ति है कि ये भूखे भी रह सकता है। ये रोता नहीं, हाँ तंग नहीं करता मुझे, कभी परेशान नहीं करता, कभी नहीं रोता। ये 7 बजे परमंडल में गए थे एक दिन, जिनमें थोड़े दिन की बात है, 20-25 दिन हो गया, 7 बजे का दूध पिए इसने, शाम को हम 6:30 घर पहुंचे तब भी हाँ पानी देते थे। वो कहते थे मैं 2 दिन की तब भूखा रह सकता, मेरा काम ऐसा है बाहर, पति कहते थे हाँ मैं 2 दिन भूखा रह सकता, मेरा काम ऐसा है, कहीं गांव में जाने पड़ता है, हमें पानी भी नहीं मिलता उधर पीने के लिए, कोठियों में काम करना होता है। ये 7 बजे का दूध देंगे ना इसको, 8 बजे के बजे ना ये रोएगा नहीं, कभी नहीं रोएगा, मांगेगा भी नहीं, हैरानगी की बात है, मांगेगा भी नहीं। हम भी रिश्तेदार को बोलती हूँ, हैरानगी कहती है क्या क्यों नहीं मानते, जब वापस आ गया वो आप तो बोल भी रहा वो, तो मैं वापस आ गया। मैं कहती हूँ कुछ ऐसी बातें पूछें कि हमें भी लगे कि ये कुछ पापा के इंडिकेशन जो है वो दे रहा है। मैं चाहूंगा रघु जी फोकस जो है, जी जी गीता गीता पापा अभी बाहरी के पास, चलिए थोड़ा सा कुछ बुलवाइए, हम चाहेंगे हमारे व्यूवर जो है वो काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो जरूर आप लोग भी इन पापा किधर है दीवो, पापा किधर है माइक देख के थोड़ा आ रहा है, दीवो पापा कहाँ पे डैडा, कहाँ पे डैडा, डैडा कहाँ, दीवो पापा किधर है अब ये भी इनका कहना कि ये बच्चा जो है गीता 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 की आवाज जो है वो लगाता है, हालांकि हमारे सामने अभी इसने कोई भी आवाज नहीं लगाई। परिवार के पास एक वीडियो है, वो वीडियो भी हम जरूर दिखाना चाहेंगे जिसमें इनका दावा है कि 7वें महीने में इस बच्चे ने गीता गीता आवाज जो है वो लगाई है। मैं चाहूंगा वो वीडियो दिखाने की कोशिश करें आप, तो जरूर आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय जो है वो साझा करें। आप क्या कहते हो कि ये मतलब खाना भी जिस टाइम वो दूध पीते थे वही टाइम इनका? हाँ वही, मैंने कहा तो 7 बजे का दूध पिया था, शाम को 6:30 पहुंचे, बेटी फ्रेश हुई, फिर दूध दिया, इसने रोना ही नहीं, पूरा पूरा दिन भूखा ही रहेगा। इधर आइए दूध नहीं,
क्या बात है? तो इसे घर में कोई आपको नाम से बुलाता है? कभी नहीं मेरा नाम ये मम्मा बोलती है, नानी मम्मा बोलती है, मेरा नाम किसने लेना था सर? इसी ने लिया 8 महीने के बाद, मेरा नाम किसने लेना था? कोई बेटा नहीं, कोई लगा नहीं कि मीडिया में आ रहे हो कि लोग जो है इस बात को मानेंगे या नहीं? सबको लोग बोलते हैं हमें, लोग बोलते हैं जो भूगताती का चेला है जहाँ बाबे वाली माता चले, मुझे नहीं बोलना, मेरे दिमाग को सभी बोलते हैं ससुर वापस आ गया। फिर बाबा जी नकोदर वाले हैं, हम गुरुद्वारा गए थे कीर्तपुर फूलपुर वाली, जो रास्ते में थे मेरे सिस्टर का फोन आया, बोलते जीजा की फूल तार के आ रहे हैं और बेटी बीमार हो गई पीछे से, बोलते बीमार क्या हो गई है, वो तेरा जीजा ही वापस आएंगे, उन्होंने जन्म लेना। हम 10 बजे घर पहुंचते हैं, जिन्हें 8 बजे जन्म हो गया। ये देखिए एक और वीडियो दिखा रहे हैं, बढ़िया वीडियो। मोहल्ले में भी सारे इस बात को मानते हैं? मैंने मोहल्ले में लड्डू बांट दिए सभी में, सब मैंने लड्डू बांटे सब उसी दिन बांट आई, जिसने बोला ना, इसने बोला मैं डैडा हूँ, डैडा हूँ, काका क्या बोला मैं डैडी हूँ, मैंने बोला मैं जो बात 4 साल के इंतजार करती, जब भी ये बोलेगा डैडी है मैं तब मीठा मुँह कराना, किसी का नहीं कराना, चाहे रिश्तेदार क्यों ना जाए, अगर सभी बोलते हैं शक्ल भी है, उठना बैठना हरकतें पूरी हैं, तो मैं दिवाली और लोहड़ी भी नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। ये कौन है? ये कौन है काका? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? नहीं, बताओ। चलिए जी, आज एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो जम्मू के चिनौर से सामने आया। परिवार का दावा है कि उनके ये माँ है, ये बेटी है, सभी ये माँ का दावा है, बेटी का दावा है कि इनके पति का देहांत हो चुका है, और इनका कहना है कि 3 दिन बाद इनसे बच्चे का जन्म हुआ, और ये बच्चे का जन्म जो है वो पूर्ण जन्म है, यानी कि वो जो इस दुनिया से चले गए हैं उसने इस बच्चे के रूप में जन्म लिया है। हालांकि ये दावा परिवार द्वारा है, हम सिर्फ यहाँ पे इस मामले को जांचने के लिए आए थे, यहाँ पता करने आए थे आखिरकार जो बात यहाँ से निकली है क्यों निकली है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि जब कोई बात ऐसी सामने आई हो, वो बात क्यों आई है हम भी आखिर वहां पे जाके देखें, जिस तरह के दावे जो है वो परिवार द्वारा कर रहे हैं। हालांकि इस दावा करने से इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, मगर फिर भी ये माँ और बेटी हैं जिनका ये कहना है कि इनके, यानी कि इनके पति और इनके पिता जो हैं इन्हीं के बच्चे के रूप में जो है इस दुनिया में वापस आए हैं। तो आप जनता के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो खुला है, आप लोग अपनी राय जो है वो साझी कर सकते हैं। बात वही कि 7 महीने का होने पर इस बच्चे ने मुंह से गीता गीता पुकारा, जो कि गीता इनकी नानी का नाम है, तो इसी से इन्हें लगता है और यहाँ के हर एक शख्स का यही मानना है कि जो इनके एरिया के हैं ये पुनर्जन्म है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही, ना ही किसी तरह के किसी अंधविश्वास को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ ये हमारे लिए खबर थी, क्यों थी, यहाँ आके हमारा पहुंचना जरूरी था, क्योंकि लोगों तक ये बातें जो है वो बहुत पहुंच रही हैं। चिनौर जम्मू का ये मामला है और परिवार इसकी पुष्टि कर रहा है। जी जी, सभी बोलते थे, बाबा जी ने कोदर वाले पहले मेरी दीदी को बोल दिया कि उसने जो वो वापस आएगा, वो आगे आ चुका है, ये पहले आ गया, हम 10 बजे घर पहुंचे फूलपुर के, जी 8 बजे पहुंच गया। ये सभी बोलते थे, दुनिया ने बोला वो अपने घर आ गया, तू नहीं रोया कर, क्यों रोती है, वापस आ गया। मैं तब मानूंगी जब ये मुंह से बोलेगा, जो 4 साल के बाद बोलेगा तब मानूंगी, पर मैं कहती हूँ लोहड़ी दिवाली में कभी नहीं करूंगी, जब से ये मुझे कुछ बताएगा नहीं, मेरे घर में जो फंक्शन नहीं होंगे। इसने 7 महीने, बाबा जी ने बोला इतना वेट क्यों, 7 महीने का बाबा जी वाहेगुरु की कृपा होगी, इसने पहले मेरे से मैं खुद फोटो निकाल लिया, बोलते मैं डैडी हूँ, डैडी हूँ, मैं डैडा हूँ, फिर उसने महीने के बाद मेरे से मिला लिया, मेरी फोटो पहचान लिया। अब जी तो कितना बोलते हैं मैं गीता गीता गीता, पर बच्चा ना जब उसका मूड होगा, आप गेट में थे बोल रहे गीता गीता, ऐसे आवाजें लगाता मुझे,
गीता सब बोलेगा गीता। मैं तो अभी वीडियो बनाई है, बच्चे को हुक्म है जब मूड है। चलिए जी, आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें इस समय चिनोर से आप तक साझी कर रहे थे। पुनर्जन्म को कितना मानते हैं आप, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।